अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सुपर फास्ट ब्लॉगर थीम की जो है वो फुटर कैटेगरी को रिमूव करेंगे। पहले भी हमने इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको किसी टेम्पलेट में इशू आ रहा है और वो आप चाहते हो कि उसका फुटर कैटेगरी कैसे रिमूव करना है परमानेंटली, तो आप मेरी पिछली वीडियोज देख लें। उसमें से अगर आपका कोई थीम है तो आप जो है वो उसका सेम वे से फुटर क्रेडिट रिमूव कर सकते हैं। डू फॉलो बैकलिंक के ऊपर और ब्लॉगिंग के ऊपर बहुत सी वीडियोज मैंने बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर जाएं, चैनल को विजिट करें और वीडियोस देख लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम जिस टेम्पलेट को करने वाले हैं, जिसका फुटर क्रेडिट रिमूव करने वाले हैं, वो है सुपर फास्ट ब्लॉगर थीम। ठीक है, ये जो है वो टेम्पलेट यार्ड्स का फुटर क्रेडिट जो है वो इस पर लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके लिए आपको कंप्लीट तरीकेकार आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो सुपर फास्ट ब्लॉगर थीम को जो जिप फाइल है इसको जो है वो हम अनजिप कर लेंगे। अनजिप कर लिए, ठीक है, उसके साथ हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ जो है वो डॉट एग्जाम्पल की फाइल है ये वाली, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन विद करेंगे हम इसको नोट पैड में, ठीक है, नोट पैड में इसको ओपन कर लिया है मैंने। इसका जो फॉन्ट साइज है नोट पैड में वो यहाँ जाकर फॉन्ट में वो बिल्कुल 8 पर कर दिया है ताकि मुझे जो है वो आसानी रहे इसका कोड को कॉपी करने के लिए। ठीक है, इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। यहाँ मैंने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है जिसको हम मालजिला कहते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड मत कीजिएगा, पहले वीडियो कम्प्लीट देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको इस जिप फाइल को भी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ। तो इसको मैं अब ओपन करता हूँ, इस फोल्डर को ओपन कर लिए मालजिरा 1.2.0 को। ठीक है, तो यहाँ इसकी फाइल है मालजिरा डॉट ई एक्स ई। ठीक है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है, ओपन कर लिया, इसको ओके दबा देना है यहाँ से। ओके दबाने के बाद यहाँ आपको ये ओपन होकर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली साइड पर जब आप देखेंगे तो यहाँ डाउनलोड के साथ डिकोडर का ऑप्शन है, डीकोडर का, आपने इसको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं वापस आ जाता हूँ नोटपैड पर। तो नोटपैड पर आपने क्या करना है, यहाँ सबसे लास्ट पे ये देखिए, मैं अभी ये बिल्कुल लास्ट पे यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये HTML जो है वो यहाँ क्लोज हो रही है और बॉडी टैग भी वो यहाँ क्लोज हो रहा है। मैं यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये एक कोड आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा ये बेतुका सा कोड है, कोई इसकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ जो है वो हमारा फुटर क्रेडिट का ये सारा लिखा हुआ टेम्पलेट्स यार्ड्स का, ठीक है, कॉपीराइट बाय टेम्पलेट्स यार्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे थोड़ा सा जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा थीम फंक्शन JS। ठीक है, उसके नीचे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है और यहाँ से आपने जो कॉपी करना है वो है VAR, वार से लेकर आपने इसको सारे को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है और सारे को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ नीचे आते हुए। यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ जो यहाँ जब आपकी स्क्रिप्ट क्लोज हो रही होती है, यहाँ देखें ये स्क्रिप्ट टैग जो है वो जहाँ क्लोज हो रहा था उससे ऊपर जो है वो आपने इसको तक कॉपी कर लेना है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर जहाँ तक इसको कॉपी करना, इस सारे कोड को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने आ जाना है मालजिला पर जहाँ मैंने आपको बताया था कि आपने डी कोडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ आकर आपने इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। कोड को पेस्ट करने के बाद आपने जो है वो रन स्क्रिप्ट के पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ तीन URL जो है आपके सामने आ जाएंगे। सबसे ऊपर वाले पे आपने डबल क्लिक कर देना है, इसको कर देना है क्लोज और इस सारे टैग को नीचे वाले कोड को सारे को आपने कॉपी कर लेना है Ctrl+C से और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ऊपर वाले सारे टैग को ख़त्म कर देना है, ख़त्म करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। दोबारा से रन स्क्रिप्ट पे आपने क्लिक करना है, फिर ऊपर वाला जो है उसको आपने URL पे डबल क्लिक करना है, इसको क्लोज कर देना है और नीचे वाला ये सारा कोड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपना ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने क्या करना है, beautifier.io को ओपन कर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने यहाँ आकर नीचे जो है वो यहाँ से आपने ब्यूटीफायर जावास्क्रिप्ट इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे जो है वो उस वाले कोड को पेस्ट कर देना है। कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ ब्यूटीफाई कोड पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप ब्यूटीफाई कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा HTTP www.templatesyard.com। तो यहाँ आप अपनी साइट का लिंक लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लगा देता हूँ सीख ले online.com। और इसी तरह नीचे जब आ जाए तो यहाँ एक और जो है वो इन्हीं का लिंक लगा हुआ है, ठीक है, टेम्पलेट्स यार्ड, इसको भी आपने सीख ले online.com या जो भी आपकी साइट है आपने वो वाली साइट यहाँ लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका टेक्स्ट का टाइटल है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। उसके बाद नीचे जो है वो इसका मेन इनर HTML कोड है, इसको भी आपने वही मेन अपना टाइटल जो है वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कहीं और तो नहीं इसका कोई भी लिंक लगा हुआ टेम्पलेट्स यार्ड का, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना आए। यहाँ सारा कोड जो है वो डिकोड होकर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप इस सब को यहाँ से चेक कर सकते हो जी। तो यहाँ कहीं और जो है वो कोई भी इनका लिंक वगैरह नहीं लगा हुआ, तो आपने फ़िलहाल यही सब सेटिंग कर लेनी है जो कि मैंने बताया है। उसके बाद आपने सारे को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, वापस आ जाना है इस नोट पैड में। जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ था उस सारे सिलेक्टेड एरिया के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है, जस्ट इतना काम करना है। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल पर जाकर इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, क्लोज कर देना है। इसको भी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। और अब आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका कि इसको जो हम अपलोड करेंगे तो ये कैसा नज़र आएगा। तो मैं यहाँ से जो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ से मैं ब्लॉग जो है वो ओपन कर लेता हूँ, blogger.com। यहाँ मैंने जो है वो टेस्ट ब्लॉग बनाया हुआ यूट्यूब के लिए, तो यहाँ से जो है मैं अभी इसको आपका प्रीव्यू दिखाता हूँ। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें ये कुछ इस तरह का ब्लॉग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम जाते हैं थीम में, यहाँ हम जाते हैं इसको रिस्टोर के बटन पर और अपलोड फाइल के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ से जो है वह हम वो फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमने यहाँ रखी थी, ठीक है। तो ये हमारी सुपर फास्ट ब्लॉगर थीम वाला फोल्डर है, ठीक है, और यहाँ हमारी ये सुपर फास्ट डॉट एग्जाम्पल जो है वो फाइल है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, रिस्टोर्ड थीम हो चुका है। तो यहाँ से जो है मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि ब्लॉग जो है वो चेंज हो चुका है। ये कुछ चीज़ें जो है वो आइकन्स वगैरह और इमेजेस वगैरह पिछले वाले ब्लॉगर थीम की जो है वो यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अभी नीचे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, नीचे आ जाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं क्राफ्टेड विद सीख ले ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट्स है।